एक तो मैं शैतान थी, फिर वो उम्र नादान थी, ऊपर से वो शुरुआत जिसके बारे में मैं अनजान थी। चलो मैं शुरू से बताती हूँ। जून का महीना था, सुबह का वक्त था, भाई आज फिर मुझसे पिटा था। मम्मी को शिकायत लगा, डांट मुझे खिलवाई थी, पर पूड़ियों की खुशबू ने मुझे सारी डांट भुलाई थी। कंधे पे टॉवल था, नहाने का वक्त था, पर टॉम एंड जेरी ने मुझे रोक रखा था। बिना नहाए पूड़ी चने किसी को नहीं मिलेंगे, मम्मी ने कहा था। बस इसी बात पे रूम से चलकर वॉशरूम का दरवाजा मुझसे खुला था, पर फिर भूख मेरी मिट गई, जैसे जैसे मैं सब भूल गई। कोई चोट लगी है क्या? कोई बीमारी हो गई क्या? लगता है अब नहीं बचूंगी, एक दो दिन में चल बसूंगी, क्योंकि उम्र वो नादान थी और इसके बारे में मैं अनजान थी। मम्मी ने बताया, समझाने के लिए बुआ को बुलाया, फिर बुआ ने मुझे लंबा पाठ पढ़ाया। देख बेटा, देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई, खेल कूद सब बहुत हो गई। पहले हर दिन पवित्र थे, अब महीने के कुछ दिन अपवित्र हो गए। भाई, चाचा, पापा, दादू, कोई पूछे क्या हुआ तो कहना पेट दर्द है और थोड़ा बुखार हुआ। बुआ की बातें मैं समझ रही थी, पीरियड्स के रिचुअल्स, मंदिर ना जाना, सादा खाना, किसी को कुछ ना बताना, मैं सब मान रही थी। हाँ, वो उम्र नादान थी, पर मैं शैतान ना रही। उस दिन मैं बड़ी हो गई थी।